नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं बुंदेलखंड की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। दीपावली का त्योहार सकुशल संपन्न हो जाने के बाद बड़े पैमाने पर जलाई गई आतिशबाजी का दुष्परिणाम अब लोगों को विभिन्न बीमारियों के रूप में भोगना पड़ रहा है। जिला राजकीय चिकित्सालय में दीपावली के बाद से आंखों में जलन, खांसी, जुखाम तथा सीने में दर्द आदि के मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है। मरीजों की भीड़ भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। इस संबंध में जिला अस्पताल के वरिष्ठ परामर्शदाता व फिजिशियन डॉक्टर SN कंचन ने बताया कि दीपावली के पहले घरों में होने वाली साफ सफाई से उड़ने वाली धूल आदि से भी एलर्जी होती है। दीपावली के त्योहार पर जिस तरह से आतिशबाजी का प्रयोग किया गया उससे वायुमंडल में प्रदूषण का प्रकोप बढ़ गया। इसी प्रदूषण का दुष्परिणाम लोगों को आंखों में जलन, खांसी, जुखाम के रूप में भोगना पड़ रहा है। उन्होंने सलाह दी कि जैसे ही इस तरह की बीमारियों के लक्षण किसी को भी महसूस हो वह तत्काल चिकित्सक से संपर्क कर उसका उपचार शुरू करा दें। वहीं फिजिशियन डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता का कहना है कि स्वास्थ्य के रोगियों के लिए आतिशबाजी का प्रयोग घातक साबित हो रहा है। उन्होंने भी आम जनता को सलाह दी कि यदि उन्हें आंखों में जलन, खांसी, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ आदि की समस्या हो रही है तो वह तत्काल कुशल चिकित्सक से संपर्क कर अपना उपचार शुरू कर दें। बस स्टैंड स्थित विशाल मेगा मार्ट के पीछे पंचक्की वाली माता मंदिर के प्रांगण में आयोजित हो रही 10 दिवसीय धर्म प्रचार रामायण रामलीला मंडल प्रयागराज द्वारा रामलीला का मंचन में वरिष्ठ समाजसेवी संदीप सरावगी ने भगवान के स्वरूप में विराजमान श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण जी की श्रद्धा भाव से आरती की और अपने उद्बोधन में कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी मर्यादा में रहकर जो कार्य किया वह सनातन धर्म व हमारे देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अहंकारी रावण को उसके ही घर में परास्त करके लंका पर विजय पाई थी, बुराई का अंत किया और सत्य की राह पर चलने का एक पैगाम दिया। आज हमें भी अपने देश व अपने क्षेत्र में अमन चैन के साथ बिना ऊंच नीच भेदभाव के साथ हमें उनके पद चिन्ह पर चलना होगा। समाजवादी पार्टी झांसी जिला अध्यक्ष महेश कश्यप के प्रयास से आज बहुजन समाज पार्टी से दो बार पूर्व प्रत्याशी रहे सीताराम कुशवाहा आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जयंती समारोह महासमिति झांसी एवं क्षत्रिय कल्चरी कलवार महासंघ झांसी के संयुक्त तत्वाधान में श्री राजराजेश्वर भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जी की अध्यक्ष में मुख्य संयोजक अजीत राय के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली जाएगी एवं श्रीमती सुधा वीरेंद्र राय पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष टीकमगढ़ मध्य प्रदेश भाजपा के मुख्य आतिथ्य में विशाल शोभा यात्रा का शुभारम्भ किया जाएगा। चित्रकूट धाम बांदा मंडल के पुलिस महानिरीक्षक के सत्यनारायण आज महोबा पहुंचे। आईजी ने महोबा पहुंचकर सबसे पहले पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया। पुलिस लाइन के निरीक्षण के बाद आईजी ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए तो वहीं अपराधियों पर नकेल कसने के निर्देश दिए। पुलिस लाइन के बाद आईजी ने शहर कोतवाली का औचक निरीक्षण किया जहां निरीक्षण के दौरान परिसर में साफ सफाई सहित दस्तावेजों की सुरक्षा को परखा। महोबा जिले के पूर्व आईपीएस एवं दिवंगत व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी मामले में फरार चल रहे मणिलाल पाटीदार के मामले में आईजी ने जल्द बड़ी कार्यवाही की बात कही। महोबा जिला के नवागंतुक जिलाधिकारी मनोज कुमार ने आज महोबा जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर मरीजों को अस्पताल द्वारा दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया तो वहीं जिला अस्पताल के सभी वार्डों सहित वैक्सीनेशन सेंटर, कोरोना जांच लैब, ब्लड बैंक सहित जिला अस्पताल से निकलने वाले बायो मेडिकल कचरा निस्तारण केंद्र को परखा। जिलाधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण कर स्वास्थ्य कर्मियों को आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान डीएम मनोज कुमार ने जिला अस्पताल में बने वैक्सीनेशन सेंटर, कोरोना लैब, ब्लड बैंक, आईसीयू वार्ड सहित सभी वार्डों का निरीक्षण कर जिला अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर RP मिश्रा को निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा रहा।